और यहाँ पर भी एक झूला लगा है, देख सकते हो बहुत तैयार हो रहे ये लोग अभी फिलहाल जोड़ रहे हैं इसे। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज गौस नगर आया हूँ और गौस नगर में झूला लगा हुआ है, देख सकते हो ईद के लिए। इस साल भी गौस नगर में मेला लगेगा ईद में, वैसे तो हर साल लगता है। और देख सकते हो, चलिए गाइस दिखाता आपको कैसा कैसा झूला लगा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर एक झूला लगा है, रेलगाड़ी है, देख सकते हो रेलगाड़ी झूला है यहाँ पर। अभी फिलहाल पूरी तरह से बना नहीं है, ये लोग अभी बना रहे हैं। अभी ईद आने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है। और यहाँ पर भी एक झूला लगा है, देख सकते हो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, देख सकते हो गाइस। अभी फिलहाल और भी झूला लगेगा, देख सकते हो नीचे सामान है बहुत सारा। तो गाइस चलिए झूला के सामने चलते हैं, देख सकते हो झूला लगा है यहाँ पर। तो गाइस गौस नगर में देखिए, यहाँ पर मेला लगेगा इस साल और अभी झूला तैयार हो रहा है। यह रेलगाड़ी देख सकते हो, अभी तैयार हुआ नहीं है, अभी भाई तैयार कर रहे हैं, देख सकते हो अभी। तो गाइस देखिए झूला, रेलगाड़ी बहुत ही ज्यादा, और अभी तैयार हो रहे ये लोग अभी फिलहाल जोड़ रहे हैं इसे। तैयार नहीं हुआ, अभी तैयार हो रहा है झूला। गाइस अभी झूला तैयार नहीं हुआ है, अभी फिलहाल झूला तैयार हो रहा है। अब आएंगे एक बार ईद में पूरी तरह से, जब झूला तैयार हो जाएगा उस टाइम दिखाएंगे आपको यहाँ पर गौस नगर में जब मेला लगता है तो कितना भीड़ होता है यहाँ पर। फिलहाल यह बच्चों के लिए ज़्यादा यहाँ पर मेला लगाया जाता है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।